बेगूसराय में दबंगों का दबंगई एक बार फिर सामने आया, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर पिता पुत्र समेत चार लोगों को घर में घुसकर दबंगों ने बेरहमी से लाठी डंडे एवं पिस्टल के बट से पिटाई कर दिया। इस पिटाई में पिता पुत्र समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल अवस्था में पिता पुत्र को इलाज के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। घटना बछवारा थाना क्षेत्र के चमथा वार्ड नंबर 1 की है। घायल पिता पुत्र की पहचान चमथा वार्ड नंबर 1 के रहने वाले विजेंद्र प्रसाद सिंह एवं पुत्र संजय कुमार के रूप में की गई है। घायल संजय कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार की रात पड़ोसी दबंग के द्वारा चाचा की लड़की के साथ छेड़छाड़ किया गया। इसको लेकर उसके साथ मारपीट की गई। इस मारपीट से नाराज दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट शुरू कर दिया। मारपीट देखकर बचाने आए लोगों को भी दबंगों ने जमकर पिटाई की। घायल अवस्था में इलाज कराकर जब अपने घर लौट रहे थे तो दबंग व्यक्ति समझा कि थाने में मामला दर्ज कराकर आ रहे हैं। इसी से आक्रोशित होकर दबंगों ने फिर दोबारा जबरन रास्ते में घेर लिया और लाठी डंडे एवं लोहे की रॉड से और पिस्टल के बट से पीटना शुरू कर दिया। इस पिटाई में पिता पुत्र पूरी तरह से घायल हो गए हैं, जबकि दो लोग मामूली रूप से घायल हैं। उन्होंने बताया कि लगातार इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। फिलहाल इस घटना की जानकारी बछवारा थाने पुलिस को लगी है। मौके पर बछवारा थाने की पुलिस पहुंचकर पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। वहीं एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि जैसे ही पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली है, ऐसे ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है और थाना प्रभारी ने मामला दर्ज कराने का आदेश दिया है और जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। बगल का उनका जो है लड़की के साथ छेड़छाड़ किया, उसको मारे और फिर अपना डर के मारे भाग गए। तो वो बोला उसका ये फरीक है, इसको घर हमारे घर में से घुस गया है, उसको मारने लगा हमको। लड़की साथ छेड़छाड़ किया। लड़की साथ छेड़छाड़? हाँ। कौन लोग है वो? हमारे घर के सामने है, गणेश सिंह है, राजू सिंह है, नरेश सिंह, उसका लड़का है। लड़की के साथ किया छेड़छाड़? रंजन सिंह के लड़की के साथ। अच्छा। तो जो वो तो चला गया यहाँ से, भाग गया डर के मारे, लेकिन वो लोग वो दबंगे है, घर में घुस गया, उसका फरीक है, इसको मार दो सारे लोग को। हमको मारने लगा, हमारे पिताजी आए बचाने के लिए, उनको मारा। मेरा लड़का आया बचाने के लिए, मेरा लड़का को मारा और उसका जो है लॉकेट छीन लिया। भाई बचाने आया, भाई को मारा, उसका चेन छीन लिया। छोटा लड़का है, इसको मारा, इसको पॉकेट में है जैकेट खरीदने के लिए 2000 रुपये रखा था, उसको छीन लिया। कब की घटना है? कब? ये रात में 8:30 बजे आसपास। वो बोला जी इसको ऑपरेशन में ही मार दो जी, मर जाएगा, ऑपरेशन करवा कर भी आया है। देख सकते हैं सर उसका ऑपरेशन में क्या पोजीशन है। उसके बाद वो लोग जो है छेड़छाड़ किया चाचा के लड़की को। अच्छा। हम लोग का चाचा के लड़की मतलब तो चाचा से उतना कुछ है नहीं, लेकिन ये है कि हम लोग को फरीक बना के वो लोग टारगेट। ये रात में 8:30 बजे आसपास। वो बोला जी इसको ऑपरेशन में ही मार दो जी, मर जाएगा, ऑपरेशन करवा कर भी आया है। देख सकते हैं सर उसका ऑपरेशन में क्या पोजीशन है। उसके बाद वो लोग जो है छेड़छाड़ किया चाचा के लड़की को। अच्छा। हम लोग का चाचा के लड़की मतलब तो चाचा से उतना कुछ है नहीं, लेकिन ये है कि हम लोग को फरीक बना के वो लोग टारगेट किया। टारगेट किया मतलब एक दो दिन घेरने का शुरू किया, उसके बाद मारना शुरू कर दिया। और कल जो हुआ पूरा, जैसे ही आ रहे थे इलाज करवा के तो लोगों को कोई डाउट हुआ कि हम लोग केस करने गए, लेकिन हम लोग कुछ ऐसा था नहीं। लेकिन उसके बाद जैसे ही आए हैं बाथरूम में, तो जैसे ही आए हैं उसको मारना शुरू कर दिया। मारना शुरू किया, पापा गए, पापा को मारा, भतीजा गया, भतीजा को मारा। ये ऑपरेशन जब हम हल्ला सुने, हम बाथरूम में निकल रहे हैं, हमको भी मारना शुरू कर दिया, पूरा ही कंधे पे मारा। ये क्या दबंग किस्म का लोग है? क्या दबंग किस्म का लोग है? बंदूक गोली लेके चलता है, बंदूक गोली से ही मारा है सर। बंदूक का जो बड़ा मतलब ये बार को घर में घुस कर बेरहमी से पिटाई किया है। यह सूचना भी कल जैसे थाना को मिली थी, तुरंत इसमें कार्रवाई करते हुए FIR इसमें रजिस्टर कर लिया गया है। और जिस व्यक्ति पे आरोप है वो भी पड़ोसी है, पहले से भी लड़ाई है इन लोग के बीच में। तो हमने इसमें आदेश दिया है कि जो जो आरोपी है उसकी तुरंत गिरफ्तारी इसमें की जाएगी।